हाय गाइस, आई एम आयुष और आप देख रहे हो मेरा चैनल डिब्ली डब्ली। बांग्लादेश का दूसरा मैच न्यूजीलैंड के साथ एक और थ्रिलर, बट इस बार बांग्लादेश अनफॉर्चुनेटली कुड नॉट गेट ओवर द लाइन। आई थिंक दे ट्राइड देयर बेस्ट, उनकी बैटिंग ने उनको थोड़ा लेट डाउन किया, देवर एटलीस्ट 30 रन शॉर्ट, लेकिन उसके बाद उनकी बॉलिंग में, उनकी फील्डिंग में उन्होंने न्यूजीलैंड को 8 डाउन कर दिया, बट मैच नहीं जीत पाए। देर वर टू कॉल्स इन दिस मैच जिनके बारे में मैं बात करना चाहूँगा, दोनों इसी बारे में है कि कैसे एक कैप्टन ने अपने स्ट्राइक बोलर को अच्छे से यूज़ किया और दूसरे ने नहीं किया। आई विल टॉक अबाउट देम इन माई सेक्शन दैट आई कॉल द गुड कॉल एंड द बैड कॉल ऑफ द मैच। पिछले मैच से समझ में आ गया था कि बांग्लादेश का क्लियर प्लान था मिडल ओवर्स का, शाकिब और मुशफिकुर मिलके रन रेट को मेंटेन करेंगे, अग्रेसिव खेलेंगे। न्यूजीलैंड के अगेंस्ट भी दोनों 20th ओवर तक करीब करीब वो ही करने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन फिर केन विलियमसन लेके आए मिचेल सैंटनर को। सैंटनर ने 7 ओवर का स्पेल डाला, सिर्फ 20 रन दिए। उन्होंने हमेशा प्रेशर मेंटेन किया बांग्लादेश पे, जिसके चलते पहले मुशफिकुर आउट हुए, फिर मिथुन आउट हुए, शाकिब आउट हुए एंड बांग्लादेश की इनिंग्स डीरेल हो गए। सैंटनर एक लेफ्ट आर्मर ने मोस्ट ऑफ द टाइम एक लेफ्टी शाकिब को बॉलिंग की एंड स्टिल इतनी अच्छी इकोनॉमी मेंटेन की, वॉज ब्रिलियंट बाय सैंटनर एंड बाय द कैप्टन केन विलियमसन। दूसरी तरफ जब बांग्लादेश सिर्फ 244 का टारगेट डिफेंड कर रही थी, तो उन्हें ये तो समझ में आ गया होगा कि जीतने का बस एक ही तरीका है, न्यूजीलैंड को ऑल आउट करना। ये जानते हुए जिस तरीके से उन्होंने अपने स्ट्राइक बोलर, पिछले मैच के वन ऑफ द बेस्ट परफॉर्मर्स मुस्तफिजुर रहमान को यूज़ किया, वो बहुत ज़्यादा सरप्राइजिंग था। पहले तो उन्होंने बॉलिंग ओपन नहीं की, द फर्स्ट ओवर ही बोल्ड वॉज द 5th ओवर ऑफ द इनिंग्स। उसके बाद वो सिर्फ वो एक ओवर डाल के गायब हो गए। ही केम बैक इन द 19th ओवर जब रॉस टेलर और विलियमसन ऑलरेडी अच्छे सेट हो चुके थे। उसके बाद भी जब रॉस टेलर आउट हुए एंड एक वापस उम्मीद जगी बांग्लादेश के लिए, फिर भी मशरफी मुर्तजा खुद बॉलिंग करने आ गए। उन्होंने मुस्तफिजुर को सही टाइम पे ओवर्स नहीं दिए। आई थिंक आगे जाते हुए बांग्लादेश को अपने पेस बॉलर्स के स्पेशली रोल्स अच्छी तरह डिफाइन करने पड़ेंगे एंड दे हैव टू इंश्योर कि वो मुस्तफिजुर को एक स्ट्राइक बॉलर, एक विकेट टेकिंग ऑप्शन की तरह जेन्युइनली कंसिडर करें। सो ये थे दो की फेजेस ऑफ द मैच जहां मुझे लगता है बांग्लादेश लॉस्ट द इनिशिएटिव एंड इवेंचुअली मैच हार गए न्यूजीलैंड से। और कौन से ऐसे पॉइंट्स थे जहां बांग्लादेश बेटर कर सकती थी एंड न्यूजीलैंड को हरा सकती थी? प्लीज़ लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन बिलो। एंड फॉर मोर सच इनसाइटफुल कंटेंट ऑन द क्रिकेट वर्ल्ड कप, प्लीज़ फॉलो माय चैनल डिब्ली डॉब्ली। थैंक्स अ लॉट।